महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव करने वाली एनसीपी के भीतर ऐसे बदलाव हुए हैं कि उसका असर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली में दिखाई पड़ रहा है एनसीपी में अगर आपको याद होगा कि दिल्ली में जो बैठक हुई उसमें शरद पवार ने पार्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुप्रिया सुले और प्रफुल पटेल को दे दी है अब दिल्ली में एनसीपी की एग्जीक्यूटिव बैठक हो रही है जिसमें उनके जो जितने घटक संगठन है उन सबकी बैठक हो रही है और उसी बैठक के बाहर हम खड़े हैं मसलन ना आप देखिए कि जो पोस्टर है उस पर आप शरद पवार को देख पाएंगे प्रफुल पटेल को देख पाएंगे सुप्रिया सुले को देख पाएंगे लेकिन इन तीनों के अलावा एक चौथा नाम इस पार्टी में हुआ करता था वो अजीत पवार वही अजीत पवार जो महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी के साथ चले गए थे उसके बाद लगातार ये आरोप लगता रहा कि फिर से वो क्या बीजेपी के साथ जोड़ करेंगे लेकिन इस बीच जब दूसरा राउंड शुरू हुआ उसके पहले शरद पवार ने पार्टी के अंदर मेजर बदलाव कर दिए अब उस बदलाव के बाद हुआ दरअसल ये है कि दिल्ली में जितने पोस्टर लग रहे हैं उन सबसे अजीत पवार गायब है मेरे ठीक पीछे जो पोस्टर है शरद पवार का उसमें आप सुप्रिया सुले को देख पाएंगे प्रफुल्ल पटेल को देख पाएंगे शरद पवार भी हैं कार्यकर्ताओं की भी तस्वीर है लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हो रही है उसके अंदर बाहर जितने भी पोस्टर लगे चाहे कार्यकर्ताओं के हो नेताओं के हो समर्थकों के हों उसमें अजीत पवार को जगह नहीं मिल रही है दरअसल एनसीपी कह देखिए अंदर तो सब कुछ ठीक ठाक है क्या है कि व्यवस्था ऐसी की गई है कि अब वो पदाधिकारी नहीं है इसलिए उनकी तस्वीर नहीं है लेकिन इसके पहले भी गाहे बगाहे मौके पर जब भी एनसीपी के कार्यक्रम हुए हों पोस्टरों में कम से कम अजीत पवार रहे हैं लेकिन अब नहीं है इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या अजीत पवार से अब धीरे धीरे एनसीपी किनारा कर रही है चुनाव आज तक के लिए ये रिपोर्ट लेकर अंकित खंडेलवाल के साथ में आशुतोष मिश्रा